तो लर्नर्स वेलकम बैक आप लोगों ने देखा होगा मार्केट ट्रेंड में है मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव करता है फिर मार्केट नीचे जाता है और फिर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो इस मूव के पहले हम कन्फ्यूज रहते हैं क्या ये एक डाउन ट्रेंड है क्योंकि प्राइस यहाँ लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता है सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन देखिए ये जरूरी नहीं ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आपको हमेशा हायर हाई एंड हायर लोज ही मिले क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड के दौरान पुल बैक लेता है तो उस पुल बैक के दौरान हमें लोअर लो एंड लोअर हाइस का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है और कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट अपवर्ड मूव करता है फिर हमें काइंड ऑफ चॉपीनेस या हम बोल सकते हैं रेंज देखने को मिलता है सो एट दिस पॉइंट हमें लगता है मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा पर फिर मार्केट रेंज को ब्रेक करता है और वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाता है सो so हमें पता कैसे लगेगा मार्केट अभी अपट्रेंड में है अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है तो आइए इसे समझते हैं एन अपट्रेंड इज इनवेलिडेटेड वेन प्राइस ब्रेक द स्विंग लो डेट इसका मतलब क्या है आइए एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं यहां देखिए सपोज मार्केट अपट्रेंड में है ओके okay, ये हमारा अपट्रेंड है सो एन अप्रेंड इज इनवेलिडेटेड मतलब एक अपट्रेंड इनवेलिडेट होगा वेन प्राइस ब्रेक्स द स्विंग लो जब प्राइस स्विंग लो को ब्रेक करेगा तो यहां किस स्विंग लो का बात हो रहा है यहां हम मेजर स्विंग लो का बात कर रहे हैं तो जब हम मेजर स्विंग पॉइंट का बात करते हैं तो ये बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा पॉइंट मेजर स्विंग है ये पॉइंट या ये या फिर ये तो हम ये पता कैसे करें सो सिंपली आपको रीसेंट ब्रेकआउट देखना है और उस ब्रेकआउट से रीसेंट जो स्विंग लो होगा उसे हम मेजर स्विंग कंसिडर करेंगे फॉर दिस एग्जाम्पल ये हमारा हाई है और प्राइस रिसेंटली इसे ब्रेक करता है

यह हम बोल सकते हैं कैंडल के क्लोजिंग का वेट करें आइए चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ देखिए मार्केट ट्रेंड में है नेक्स्ट मार्केट रिसेंटली इस हाई को ब्रेक करता है नेक्स्ट ये हमारा प्रिसीडिंग स्विंग लो है अब देखिए ये भी एक स्विंग लो है और प्राइस इसको ब्रेक करके क्लोजिंग भी देता है तो अब आप बताइए क्या ये अभी भी अप ट्रेंड में है थोड़ा समय लीजिए और सोचिए तो इसका आंसर है ये अभी भी अप ट्रेंड में है क्योंकि इसने अभी तक इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया डेट प्रिस द ब्रेकआउट सो आइए आगे देखते हैं क्या होता है मार्केट थोड़ा नीचे आता है और यहाँ सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है बिकॉज ये वो स्विंग लो है जिसे हमें अटेंशन देना है अगर मार्केट इसे ब्रेक करता और क्लोजिंग देता तब ये अपट्रेंड इनवैलिड होता फिर या तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता या कॉन्सेंट्रेट करता सो so रिमेंबर ट्रेंड इज इनवैलिडेटेड आफ्टर द प्राइस स्विंग लो और, और प्राइस को ब्रेक करता है और क्लोजिंग भी देता है अब आप बताइए क्या ये अभी भी अपट्रेंड में है या अपट्रेंड इनवेलिड हो चुका है सो द एंसर इज ये अब ट्रेंड अब इनवैलिडेट हो चुका है बिकॉज ये मेजर स्विंग लो को ब्रेक कर देता है आइए आगे देखते हैं क्या होता है सो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है सो so ये था एक तरीका पुल बैक और रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का अब कुछ पुल बैक ट्रेडिंग टेक्निक्स को देखते हैं जिसके हेल्प से हम एक प्रॉफिटेबल पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं तो इससे पहले आपको समझना होगा एक पुल बैक एंड कहाँ हो सकता है जनरली एक पुल बैक थ्री प्लेसेस पर एंड हो सकता है एक पुल बैक प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर एंड हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए कैसे प्राइस अपने प्रीवियस की लेवल तक पुल बैक लेता है और फिर वापस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है बट ऐसा जरूरी नहीं हर बार प्राइस अपने प्रीवियस की लेवल तक पुल बैक ले समाइम्स ये प्रीवियस की लेवल तक जाता है और कभी कभी ये उसके पहले ही टर्न हो जाता है नेक्स्ट अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज पर दो बार टेस्ट कर चुका है तो नेक्स्ट टाइम जो पुल बैक होगा वो अगेन मूविंग एवरेज पर एंड हो सकता है और प्राइस वहां से कंटिन्यू कर सकता है नेक्स्ट एक पुल बैक ट्रेंड लाइन के पास एंड हो सकता है जैसा कि आप देख सकते हो इन पॉइंट्स के बेस पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया नेक्स्ट प्राइस वापस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है और यहां से रिवर्स हो जाता है ये तो हमने देख लिया पुल बैक एंड कहाँ हो सकता है अब बात करते हैं एंट्री की ट्रेड कैसे लेना है सो so, एंट्री के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं लाइक पिन बार इनगल्फिंग मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार एट्सट्रा और एंट्री के लिए हम ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रेजिस्टेंस है और प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है आपने प्राइस एक्शन में एक कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा जिसे हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी मतलब अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो फ्यूचर में सपोर्ट का, का काम कर सकता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कर सकता है ज़रूरी नहीं करेगा ही और जब कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तब फ्यूचर में वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का, का काम कर सकता है सो so, यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है नाउ अब सेम रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का, का काम कर सकता है नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है अब हमें देखना है क्या प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये हम कैसे कर सकते हैं सिंपली ये हम कैंडल स्टिक की हेल्प से पता लगा सकते हैं अगर यहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल लाइक पिन बार या हैमर फॉर्म होता है जो इस लेवल पर रिजेक्शन शो करता है तो हम फर्दर कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट यहाँ काइंड ऑफ बुलिश लॉन्ग लॉन्गविक कैंडल्स मिलते हैं सो नेक्स्ट कैंडल अगर एक बुलिस ग्रीन कैंडल है और वो इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं अगर इस पॉइंट पर हमें सपोर्ट लेवल के साथ साथ अगर किसी मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलता है तो ये हमारे विनिंग के चांसेस को बढ़ा सकता है आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ देखिए मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में है और चार्ट पर फिफ्टी पीरियड ई अप्लाइड है और जब भी प्राइस ई को अप्रोच करता है तो वहाँ पुल बैक एंड होता है और प्राइस फिर वापस नीचे कंटिन्यू करता है नेक्स्ट पॉइंट देखिए जहाँ प्राइस मूविंग एवरेज को अप्रोच करता है वहाँ सेम प्लेस पर हमारे पास प्रीवियस की लेवल्स का सपोर्ट भी है जो इस एरिया को कॉन्फ्लुएंस एरिया बनाता है और इस लेवल पर हम रिजेक्शन कैंडल को देख कर ट्रेड ले सकते हैं या इन शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ आते हैं जो इसे कॉन्फ्लुएंस एरिया बनाता है मूविंग एवरेज प्रीवियस की लेवल कैंडलस्टिक पैटर्न्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को एक साथ सेम सिग्नल मिलता है मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले यहाँ मूविंग एवरेज के बेस पर शॉर्ट ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन यूज करने वाले यहाँ प्रीवियस की लेवल पर रिजेक्शन देख कर ट्रेड लेंगे बहुत लोग ट्रेंड लाइन ब्रेक पर ट्रेड लेंगे और बहुत लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पर और कुछ लोग हम जैसे होंगे जो कॉन्फ्लुएंस के बेस पर ट्रेड लेंगे सो so जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं नाउ लुक केयरफुली यहाँ हमारे पास एक मेजर ट्रेंड लाइन भी है तो यहाँ वो ट्रेडर भी होंगे जो ट्रेंड लाइन के बेस पर ट्रेड लेते हैं देखिए ये एक चेरी पिक चार्ट है जरूरी नहीं बार बार सारे फैक्टर्स आपको एक साथ मिले पर अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग में कॉन्फ्लुएंस के बेस पर ट्रेड लेते हो तो आपको एक बेटर एज मिलेगा सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक